हो गई है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों कुछ तो घटना घटी आज घर के अंदर भी, तो शायद इसीलिए लाइट वाइट थोड़ी बंद हो रही है। बट नेवरथलेस वी गोना गेट द पार्टी बॉयज एंड गर्ल्स, वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत सारी शीट्स बना के लाऊं, एक्सपेक्टेड कैट पेपर है। इस वीडियो को सुनना है सुन लेना, नहीं सुनना मत सुनना। एक्सपेक्टेड कैट पेपर ओके, इस वीडियो को सुनना है सुन लेना, नहीं सुनना मत सुनना, बिकॉज बड़ी मेहनत की है इसके अंदर। इस बार के पेपर सेटर कौन है? संजीत सिंह फोगट। वो पहले आई एम कैलकटा में एक बार पेपर सेट कर चुके हैं, किसी को ये वाली बात पता नहीं, कन्वीनर रह चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ पहली बार हुआ है जबकि कैट का कन्वीनर रिपीट हो रहा है, उससे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और मैं थोड़ी आज ज़्यादा ही डीप रिसर्च कर ली, मैं रोहित हमारा प्रोडक्ट मैनेजर है, अनिशा मैम जिन्होंने कैट दिया था यही वाला, ये सब लोग अभी जूम कॉल पे थे, अभी जूम कॉल से बाहर आए हैं, तो भाई बड़ा ही मज़ा आएगा एंड इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। ठीक है शुरू करते भाई। ओके आई थिंक आई एम लाइव। ऑलराइट हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। शुरू कर दें, चले भैया शुरू करते हैं। पाँच स्लाइड्स हैं, क्या क्या होने वाला है आज सुनते जाओ भाई। पहली बात, कन्वीनर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। इस बार के पेपर सेटर एज आई सेड वर अ कन्वीनर बिफोर एज वेल, उनका नाम संजीत सिंह फोगट है, गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ्स के। क्या कौन मुश्किल आने वाला नहीं आने वाला वो अपन बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने हिंट की हैं अभी तक इन द वेरियस फोरम्स एज वेल। और 2011 में जब सब कन्वीनर थे तो आई एम कैलकटा में उन्होंने क्या किया था। पहली बात तो प्रोटिप, जिन लोगों ने पूरा वीडियो एंड तक नहीं सुनना है सुन लेना, बट 2011 का पेपर भी सॉल्व करना, वहाँ पे ये पेपर सेटर थे ठीक है। और आई एम लखनऊ ने दो बार पेपर सेट किया है, सॉरी आई एम कैलकटा ने दो बार पेपर सेट किया है। तो आई एम एज्यूमिंग जब भी एक टीम असाइन हो जाती है ना, ये बंदा कन्वीनर्स है या एक कैट पेपर सेटिंग टीम है, वो कंटिन्यू करता है, विच वाज अगेन इन 2018। सो 2011 का पेपर पक्का करिए, नोट कर लो भाई, 2018 का पेपर पक्का करिए। और ये तो कन्वीनर के पेपर्स हैं ठीक है, 2011 वाला पक्का, 18 वाला मे बी सेम टीम में कंटिन्यूशन अगर होती है तो। मैं जानता हूँ जैट के अंदर ऐसा होता है, बिकॉज आई मेट 5 कन्वीनर ऑफ जैट, वो सेम टीम के अंदर बनते हैं। द गाय हु इन्वेंटेड सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, वो भी यूट्यूब फैमिली पे आपको मिलने के लिए आएगा ठीक है। ये दो पेपर पक्का करिएगा ठीक है। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, ये वीडियो टॉपर जनता के लिए, बाकी जनता थोड़ा डरना मत, हाँ सुन लेना सब कुछ और मजा आएंगे ठीक है भाई। अच्छा एक छोटा सा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। कौन है? हाय शबीश, हाय लाइना, हाय आदित्य, हाय सुयश, हाय लतिका, गुड सिंह, हाय अभिषेक, गुड सिंह यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, फुल फुल हाउस है यार। और कौन है भाई? सर ऑफ लव फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल गाइड्स इन हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, हे तलिया, गुड सिंह मैन, क्या बात है, क्या हाउसफुल है भाई। आई एम आई कोलकाता, रुक जा भाई, अभी आई एम्स की बात हो रही, श्रेया, सुयश, नमन, ओके तनया, क्या बात है, हाउसफुल है भाई ठीक है। सुनते रहना, डॉग कैसा है सर बता दूं क्या, छड यार ठीक है। सो माई डॉग इज नो मोर बाय द वे, सो या आई एम कमिंग फ्रॉम द फ्यूनरल ऑफ माई डॉग। सो ही वॉज ओल्ड, ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड इट वॉज अ बैड डे, इट वॉज अ बैड डे एंड बट या आई लव हिम अ लॉट ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल द प्रेयर्स एंड विशेज, जो रब की मर्जी, हाँ जो रब की मर्जी। चलो भाई शुरू करते हैं ठीक है। चलो भाई ये बातें मत किया करो यार, अभी हो गया वो ठीक है, छोड़ो, हाँ अकेला सोना मुझे आज, नॉर्मली स्लीप नेक्स्ट टू मी। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। मस्ट नो थिंग्स अबाउट द पेपर सेटर, फुल कंसिडरेशन। एवरी ईयर कोई ना कोई आम साइन होता है, 2020, 2021, 2022, 2023। आई एम इंदौर 2020, आई एम अहमदाबाद 2021, आई एम बैंगलोर 2022, 2023। मैं 15 साल से कैट को देख रहा हूँ, पर जब से ऑनलाइन गया तो मैं और अच्छे से देख रहा हूँ, और जब से हम भी ऑनलाइन गए अराउंड नियरली 7 ईयर्स नाउ। और 4 साल के पेपर सेटर हर्षल ओवलेकर, गूगल मार लेना इनका वीडियो मैंने किया होगा। आई एम अहमदाबाद एमपी राममोहन, आई एम बैंगलोर मिश्रा साहब जो कि पहले टापमी में रह चुके हैं, आई एम बैंगलोर। और पिछले 6 IMC ब्लैकी में से हर बार कोई ना कोई पेपर सेट करता है, इस बार है आई एम लखनऊ। कन्वीनर क्या करता है? कन्वीनर खुद अकेला इंसान नहीं होता है, वो होते हैं उनके साथ टीम होती है, वो डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। बाय द वे आई वॉज लकी टू स्पेंड सम टाइम इन अ बस इन मलेशिया विद वन ऑफ द कन्वीनर ऑफ दीज 4 ईयर्स। कौन से वाले को नहीं बताऊंगा, फोटो भी मेरे पास है। तो एनी विच वे सर ने मुझे वाली बात बताई, सिर्फ कन्वीनर सब कुछ नहीं करता है, बाकी भी पूरी की पूरी टीम होती है। आगे देखते भाई, संजीत सिंह फोगट पर कन्वीनर क्या करता है वो देखते हुए ठीक है भाई। पहली बात, सर क्या क्या है? ही इज अ प्रोफेसर ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड इन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया गया, एक्सपेक्ट सम इनोवेटिव क्वेश्चंस इन क्वांट्स एंड डीआई। सर के खून में क्वांट्स है, सर के खून में डीआईएलआर है, सर खुद साइंटिस्ट भी हैं, सर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं मैथ्स के, बीएससी अंदर भी और एमएससी अंदर भी ठीक है। डरने का नहीं, सुनते जाइए। और कौन से कौन से क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, मेरी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैट किंग टीम से काम होती, मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, वो क्वेश्चन वियर्ड वाले कौन से होते हैं वो भी अपन बताएंगे। आगे, कन्वीनर मे चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट सम इनोवेटिव टाइप्स। आगे देखते हैं, साइंटिस्ट है,
फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने स्टूडेंट से बात भी कर ली, सर कैसे हैं, सर का बिहेवियर कैसा है, डीआरडीओ में काम कर चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिस चीज़ मैं आपको बता दी। नाउ कन्वीनर टीच क्या करते हैं, डिसीजन साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, ज्योमेट्री, ये क्लास के अंदर का फीडबैक है। मे बी सर मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे भाई इसको कैसे पता। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स व्हाट सर टीचेस एज वेल इन द क्लासरूम। जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए आते हैं सर क्लास के अंदर ज्योमेट्री भी थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ा देते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा रहे हैं, इस साल सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर सर मेरी बात सुन रहे होंगे बोलेंगे मैन दिस गाय नोज़ एवरीथिंग, तो सर इस साल पढ़ा नहीं रहे, फर्स्ट ईयर के अंदर ज्योमेट्री की बेसिक्स कराते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ाते हैं, तो ज्योमेट्री थोड़ा अच्छा, कोई नोट्स ले लो इस सेशन के अंदर, सिर्फ सुनने का फायदा नहीं, पेन और पेंसिल लेके बैठो। आगे क्वाम करके एक सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बताया क्वांट्स इनके खून के अंदर, यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजिंग इन क्वांट्स, क्वांट्स कैन नॉट गो सुपर डिफिकल्ट बिकॉज ऑल द पेपर्स वांट मोर नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर्स एज वेल, ठीक है। ये ऑफिशियली आई एम बैंगलोर ने बोला था, बट कितने क्वेश्चन ईजी रहेंगे वो आपको बताऊंगा। आई एम बैंगलोर बोला हम मेरिट बेस्ड डाइवर्सिटी को अलाउ करेंगे, ये नहीं कि भाई नॉन इंजीनियर है तो कभी मैच पढ़ा नहीं तो छः महीने भी तूने कैट की तैयारी नहीं कि मुंह उठा के आ गया, तो बेसिक अगर तुमने कट ऑफ भी क्लियर कर ली दे विल एंटरटेन यू फॉर दैट। तो इन शॉर्ट जो मैं देख रहा हूँ चेंजेस इन आई एम बैंगलोर आई एम अहमदाबाद के सिलेक्शन क्राइटेरियाज, जो उनका कट ऑफ्स है ना ओवरऑल मे बी इंक्रीज, बट वेन इट कम्स टू क्वांट्स सम पीपल हैव डिक्रीज द कट ऑफ फॉर क्वांट्स एज वेल, तो बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एक्सपेक्ट मोर ऑफ ज्योमेट्री, ग्राफिकल क्वेश्चंस, एलजेब्रा और डी आई, एलजेब्रा भी फेवरेट है, एलजेब्रा भी आप कर सकते हो। आई एम लखनऊ का पेपर मैंने पूरा छान मारा है पिछले बार का, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ, कहानी में ट्विस्ट, 2011 में सर ने पेपर सेट किया था आई एम कलकत्ता का, पूरा सेशन सुनिए 20 मिनट का, इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको नोट करनी है वो नोट करके इसके ऊपर एक्शन लेना। दूसरा तरीका मत करो भरोसा इसके ऊपर, खुद करो, गूगल मारना एक्सपेक्टेड कैट पेपर बाय कैट किंग, लास्ट 2 साल से एक्सपेक्टेड पेपर क्या किया है, भगवान की दया से जो बोलता हूँ वो होता है, इसे सुनते जाइए। आगे जब एक कन्वीनर थे सर ने कुछ चेंजेस लेके आए थे, ये बंदा चेंज वाला बंदा है फोगट साहब, ही रिड्यूस टू द 2 सेक्शंस, कौन से वर्बल और एलआर कंबाइन कर दिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन क्वांट और डीआई, ये भी दोनों कंबाइन कर दिए गए थे, और 30 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट का टाइम दिया था, 30 क्वेश्चंस वर रिड्यूस टू 60 क्वेश्चंस। एट प्रेजेंट इन कैट देर 66 क्वेश्चन। इफ ही थिंक्स के यार मेरे को अपना वाला जाना है, 2011 जब 60 क्वेश्चन दिए ना, बड़े बढ़िया बच्चे आए थे, बेस्ट था वो, तो ही कैन ड्रॉप डाउन दिस ईयर टू 60 क्वेश्चंस एज वेल। कैट किंग फैमिली, जिन लोगों ने हमारे एक्सपेरिमेंटल मॉक दिए हैं, आपके मॉक के अंदर पुराने मॉक के अंदर एक्सपेरिमेंटल मॉक लिए हो, आपको मिल जाएगा एक 62-66 क्वेश्चन वाला, 60 क्वेश्चन वाला भी एक ना एक सेट, पुराने भी देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, पहले उस जमाने में 20 सेट बनाते थे, 20 दिन पेपर चलता था, स्लॉट 1 स्लॉट 2 2 सेट्स रोज के होते थे, 40 सेट बनाते थे। क्या क्या चीज़ें सर ने डाली थी, जब सर खुद कन्वीनर थे वो सुनते जाइए। वर्बल के अंदर ग्रामर पूछी गई थी, ग्रामर के साथ आरसी आता ही आता है, वोकैबुलरी पूछी गई थी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन को इनोवेट करने वाले संजीत सिंह फोगट साहब थे। आउट ऑफ कंटेक्स्ट करते हो आप, है ना भाई, जो पैराजम्बल्स का थोड़ा वियर्ड थिंग होती है, हाउ कूल इज दैट, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे एलआर के अंदर पजल्स आती थी, और क्वांट्स प्लस डीआई, क्वांट प्लस डीआई व्हेन इन 2011 ही वाज द पेपर सेटर हिमसेल्फ, एंड दिस गाय वाज गिविंग क्वांट एंड डीआई ऑन द सिमिलर सेट, स्ट्रेट सेट ऑफ डीआई थे, स्ट्रेट फंडामेंटल ऑफ क्वांट, जिन लोगों ने बेसिक पढ़े हुए थे उनका पक्का बेड़ा पार होगा। एक और कहानी में ट्विस्ट, जब ये होश संभाल के यहां से 2017 आ गया, और अभी हमने कन्वीनर की बात कर रहे हैं बंद, और अभी हम चेक कर रहे हैं आई एम लखनऊ, सर प्रीवियस ईयर कैट किंग स्टूडेंट, लव फ्रॉम आई एम कोई कोड, हे राहुल थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, मैन लव यू, मैन लव यू। ये जो भी सीनियर्स ज्वाइन करते हो ना कैट किंग फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के, यार एक नीचे कमेंट करके जाया करो, यहाँ चैट में नहीं, यू नो मेरे बारे में बता दिया करो, ये लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते, हाँ लिख दिया करो भाई, पढ़ते रहो, उनको थोड़ा मोटिवेट करके जाया करो, ये गुरु दक्षिणा नहीं है, ये शिक्षा दक्षिणा है, तुम आके इनको भी मोटिवेट किया करो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। हाँ भाई क्या बात है, ठीक है, डन, ओके ग्रेट, अच्छा ओ राहुल, अच्छा ऐसा ऐसा नहीं किया, अच्छा वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2017 आई एम लखनऊ, रूट्स एलआर बेस्ड डीआई, आई एम लखनऊ ने 2017, अभी हम बात कर रहे हैं जब आई एम लखनऊ पेपर सेटर है, रूट्स एलआर बेस्ड डीआई, 4-4 के सेट आए थे, ठीक है, हर सेट वॉज 4-4 क्वेश्चंस। 2017 में पेपर 100 नंबर का हुआ करता था, ठीक है, सॉरी पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 16 क्वेश्चन एलआर के, 16 क्वेश्चन डीआई के, टोटल मिला के 32 क्वेश्चन 2017 तक, 34 ऑफ वर्बल एबिलिटी, 32 ऑफ डीआईआर एंड 34 ऑफ क्वांट्स, सुनते जाओ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ थिंग्स, तो स्लॉट वन सुबह था, स्लॉट टू शाम को, 8 सेट 4-4 क्वेश्चन ईच। लुकिंग एट 2017 इफ यू गो बाय, हमें अपनी कन्वीनर के चैप्टर बंद कर दिया, आई एम लखनऊ क्या करता है, इस बार जो पेपर आने वाला है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको 4-4 के सेट आए, बिकॉज उन लोगों ने पेपर सेट किया था, दे में इससे अरे जब हमने 4-4 क्वेश्चन के सेट दिए थे लाइफ वॉज रियली अमेजिंग, पिछली बार जैसे 5-5 क्वेश्चन के भी सेट आने शुरू हो गए थे, बट
paper setter has advised in some of the forums that he can innovate something on the DILR and quant side as well. देखते हैं भाई कौन से क्वेश्चन थे ये आई एम लखनऊ और संजीत सिंह फोगट साहब न्यू एज थिंग्स के टॉपिक्स दे रहे हैं पिज्जा वाले टॉपिक्स आ रहे हैं डॉम वाला टॉपिक आया था एयरप्लेन के अंदर क्या हो रहा है बायोमेट्रिक क्या हो रहा है मैं लिख के बता रहा हूँ दो एल आर के सेट्स ईजी थे दो डी आई के सेट्स ईजी थे इसको मैं रेफर बैक करेंगे दिस इज 2017 व्हेन आई एम लखनऊ वाज द पेपर सेटर क्वांट्स आई एम लखनऊ इज द ओनली सेक्शन ओनली पेपर सेटर इन 2017 हु ब्रॉट अप एलजेब्रा मोर और इक्वलेंट टू अर्थमेटिक एलजेब्रा 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक 11 क्वेश्चन प्रो टिप संजीत सिंह फोगट सर जब क्लास के अंदर पढ़ाते हैं जब मैंने स्टूडेंट से बात करी सुधांशु सर हैं प्रांतिक सर हैं अपना मिथिल है जितने भी वहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो इन सब से मुझे फीडबैक मिला कि एलजेब्रा इज गोना रूल द रूस्ट दिस टाइम आप एलजेब्रा को और पढ़ के जाएगा एलजेब्रा के नॉर्मली 4 या 5 सवाल आते हैं इस बार एलजेब्रा और थोड़ा ध्यान से करेंगे बड़ी रिसर्च गई है इसके ऊपर अच्छा एक हम्बल रिक्वेस्ट है 1000 लोग इस वीडियो को सुन रहे हो एंड 364 पीपल आर यू नो वॉचिंग दिस तो यार लाइक कर दिया करो एक हम 5000-6000 लाइक हो जाता है ना वीडियो के अंदर बड़ा मुझे हेल्प हो जाता है ठीक है दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू वेन एम गोइंग थ्रू ऑल द टफ टाइम इन माई लाइफ आई एम स्टिल डूइंग यूट्यूब लाइफ तो इतना तो बनता है ना भाई ठोको जरा लाइक आगे देखते भाई क्वांट्स अल्जेब्रा अर्थमेटिक मॉडर्न मैथ ज्योमेट्री विन आई एम लखनऊ द पेपर सेटर अल्जेब्रा 11 सवाल अर्थमेटिक 11 सवाल मॉडर्न मैथ सिर्फ 2 सवाल 2015 के बाद पेपर सेटर ने नॉन इंजीनियर्स के लिए थोड़ी पार्टी ऑन करनी शुरू कर दी मॉडर्न मैथ्स के अंदर नॉन इंजीनियर थोड़े कामते हैं अभी तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा स्टार्टिंग के अंदर ज्योमेट्री भर भर के ज्योमेट्री के 6 सवाल यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस ईयर द ज्योमेट्री के भी और क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सिस्टम के 4 सवाल नंबर सिस्टम इज रूलिंग द रूस्ट वॉज रूलिंग द रूस्ट वे बैक इन 2011-2012 अगर तुम पुराने पेपर देखोगे ऐसा होता था मेरे टाइम के अंदर नंबर्स कर लिया और ज्योमेट्री कर लिया बेड़ा पार है और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है बट वो चीज़ अभी धीरे धीरे चेंज होगी नंबर्स का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम हो गया है बट अगर पेपर सेटर को खेलना हो जो कि उन्होंने ओपनली बोला है वो नंबर्स के थ्रू खेल सकता है जो कि अगली स्लाइड के अंदर आएगा इनोवेटिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है 2017 में जब आई एम लखनऊ का कंटिन्यूशन है वन मोर स्लाइड ऑन आई एम लखनऊ एंड देन यू गोना कम टू आई एम लखनऊ होने के बाद कन्फर्म चीज़ें क्या क्या हैं फाइनल मेरी थॉट्स क्या रहेंगी और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या इस बार आ सकते हैं ठीक है भाई 3 स्लाइड और हैं फुल कंसंट्रेशन गाइस कोशिश करेंगे 5-7 मिनट के अंदर सेट करेंगे लेट्स गो आई एम लखनऊ ने पहली बार आंसर की देनी शुरू कर दी थी पहली बार उन्होंने आंसर की लाइव रिस्पॉन्स शीट आती ना पहले नहीं आती थी लखनऊ ये नीरज द्विवेदी साहब हैं लखनऊ टीटा क्वेश्चंस नो नेगेटिव क्वेश्चंस वर इंक्रीज्ड 100 सवाल आते थे वर्बल 34 सवाल डीएलआर 32 सवाल क्वांट वाज 34 क्वेश्चंस 100 अभी 100 सवाल तो नहीं आने वाले पक्की बात है गारंटेड बिकॉज पेपर 2 घंटे का हो चुका है वो रीज़न है उसका यार जब 76 क्वेश्चन किए थे आई थिंक हर्षल लोवलेकर सर आई एम इंदौर वाले ने किए थे तो लास्ट वाले क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो देयर वाज अ फीडबैक एंड दे कुड ऑल्सो सीन देयर ओएमआर शीट्स पहले जमाने में होती थी दे कुड सीन देयर कंप्यूटर स्क्रीन के लास्ट वाले 10-10 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए तो देने क्या क्या है तो 76 क्वेश्चन के ऊपर जाने का कोई शौक है नहीं पेपर सेटर को मुझे लग रहा है वर्बलेबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 24 सवाल पैराजम्बल पैरासेंबली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 24+10 टीटा क्वेश्चन 7 टाइप इन द आंसर क्वेश्चन वर इंक्रीज आई एम लखनऊ ओके आई एम लाइव ओके एम आई लाइव देयर वाज अ लैग ना देयर वाज अ लैग ओके ज्योग्राफिकल टॉपिक्स आईफोन वाला टॉपिक्स एवोल्यूशन का टॉपिक्स नेचर वाला आई एम लखनऊ लव टेक्नोलॉजी लास्ट हाँ लैग उड़ गया ना अभी लैग ठीक है अभी इज नॉर्मल ना हाँ भाई अभी इज गुड अब लैग है नाउ इज गुड नाउ इज गुड हाँ भाई इट्स फाइन नाउ जस्ट टाइप इन फाइन ओके गुड सॉरी फॉर दैट ओके गुड ओके ज्योग्राफी आईफोन एवोल्यूशन तो जब भी आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एओन पे जाओ जो भी आप न्यू एज टेक्नोलॉजी मिलता है नेचर बेस्ड कोई टॉपिक मिलता है वो पक्का कर लीजिएगा ठीक है आगे क्रिएटिव का एक टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेटेस्ट टॉपिक ये भी आ चुका है विच इज रियली अमेजिंग आप ये भी करना चाहिए हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक भी आ चुका है कैट लव हिस्ट्री आप एक्सपेक्ट करिए इस बार हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक आ सकता है दूसरा कैट ऑल्सो लव न्यू एज टॉपिक्स ऑनलाइन रीडिंग ऑनलाइन स्क्रीन टाइम यूजेज ऑफ मोबिलिटी मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो दे कुड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल ठीक है थोड़ा सा ब्लर है थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा और ना थोड़ा ब्लर है चला लो यार आज दुकान चला लो मेरा ना वाईफाई वगैरह सब उड़ गया मेरे को जगह वगैरह चेंज करना पड़ा आज तो एनी विच वेज आज टोटली आई वॉज आउट ऑफ द हाउस टूडे एंड डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं ये समझ आ गया आप तो अभी तक आरसी में आपको बताया क्या करना है ऑल सेड एंड डन व्हाट्स गोना बी द एक्सपेक्टेड पेपर मैंने हिंट दे दिए अब मैं समरी करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ठीक है भाई लेट्स गो सर आई कैन इमेजिन संजीत सिंह फोगट सर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हीज रिएक्शन ऑन द स्क्रीन ज़्यादा इनोवेट मर कर देना प्लीज़ आदित्य जी आदित्य मैसेज दे रहा है संजीत सिंह फोगट सर को यार देखो अभी तक तो पेपर बन चुका होगा मेरे ख्याल से ठीक है अब सुनेंगे भी सर तो क्या ही बदल पाएंगे लेट्स गो पेपर 2 घंटे का होगा 3 घंटे का होगा ये कन्फर्म बात है 2 घंटे का होगा पहली बात नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं सुन लीजिए एक्सपेक्टेड पेपर लेट्स गो 66 क्वेश्चन लास्ट ईयर
उसके पहले 66 क्वेश्चन, उसके पहले 76. आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद एंड आई एम इंदौर. आई एम इंदौर हर्षल लवलीकर. आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद एम पी राम मोहन साहब एंड देन मिस्टर मिश्रा. ठीक है, ये 3 साल का पेपर है. उसके पहले 100 सवाल, 66 to 76 क्वेश्चन की रेंज होने वाली इस बार. मुझे लगता है अगर पेपर सेट को कुछ इनोवेट ना करना हो, 66 से स्टिक करेगा वो. उन लोगों ने देखा लास्ट ईयर बच्चों ने अप्लाई किया, लाइफ वॉज गुड. अगर उनको इनोवेशन करनी चाहिए, दे शुड बी नंबर बिटवीन 66 एंड 76. मैं जब प्रोडक्ट टीम से बात कर रहा था, मैं उनको बोला बेस्ट बताओ तुम्हें क्या लग रहा है. सो बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, अगर 66 क्वेश्चन आते हैं सेम स्टैंडर्ड 24 वर्बल, 20 DILR और 22 क्वांट के. आगे अगर 70 आते हैं 26 + 20 + 24, समझा. अगेन कैट किंग फैमिली, जिनके पास रियल कैट मॉक्स का एक्सेस है, आप लोग देख लेना एक्सपेरिमेंटल मॉक्स के अंदर, ये सब चीज़ डिफरेंट वेरिएशन आपको दिख जाएंगी. एक्सपेरिमेंटल मॉक आई थिंक 21 से 1st, 4th, हर चौथा मॉक हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉक होता था. जो लोग कैट किंग फैमिली पहले दिन से दे रहे हो, हम आपको अलग अलग क्वेश्चन की तैयारी शुरू से कर रहे हैं. जो लोग अब मॉक ले रहे हो 1000 रुपये का, 2000 रुपये जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वाले भी मॉक सॉल्व करें. मैं आपको बताता हूँ कौन से मॉक करें. 76 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, दिस इज द सेम पेपर पैटर्न ऑफ 2020. आई एम इंदौर, 26, 24 एंड 26. 66 और 70 के अंदर वेरी करेगा. डज इट मैटर टू यू यार, 4 क्वेश्चंस मोर, अप्रॉक्सीमेटली 1.333 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन. डज इट मैटर टू यू? नो, इट डजंट मैटर एट ऑल. इट डजंट मैटर एट ऑल. आगे बढ़ते हैं भाई, फाइनल थॉट्स. तेरे को फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वो सुन लीजिए क्या क्या चेंजेस वो कर सकता है पेपर सेट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट नाउ. भाई दिस सेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज फॉर द पेपर्स पीपल हु आर एक्चुअली आर इन द टॉपर जनता. 99% प्लस एम कर रहे हो एंड यू गैट हैव टाइम टू ट्राई समथिंग इनोवेटिव एंड वांट टू चैलेंज योरसेल्फ. जिनको ये बातों से डर लगता है, इधर से सुनने का, उधर से निकाल देने का. ठीक है, डन है, सुनते जाइए. बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. लव योर हार्ड वर्क, थैंक यू करण. वीडियो लिल ब्लर, कीर्तना इल बी फाइन लिल वाइल. सर रियल कैट मॉक्स आर सेम लेवल एज एक्चुअल कैट एग्जाम. यशराज, इट्स ऑन 10% प्लस लेवल टू 10% माइनस लेवल. रियल कैट मॉक नंबर 1 से लेके मॉक नंबर 20 इज एडवाइजेबल पीपल हु लॉस्ट द गेम, हु आर थिंकिंग मेरा कुछ नहीं होने वाला है. 90% दिला दो, सब रट्टा मारो, बैठ बैठ के सॉल्व करो. 25 से लेके 30 तक बहुत अमेजिंग है और बाकी मैं आपको मॉक्स बताने वाला हूँ. ठीक है, एक और चलो मॉक्स की बात करें तो बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से कौन से डिफरेंट टाइप्स. मॉक नंबर 19 कैट किंग फैमिली का 2017 पेपर पे बेस्ड है, आई एम लखनऊ का. मॉक नंबर 19 पक्का दीजिए. मॉक नंबर 15 का वर्बल और क्यूए पार्ट इज बेस्ड ऑन आई एम लखनऊ अगेन, 2017 का पेपर सेटर. और मॉक नंबर 25 से लेके मॉक नंबर 3, वी ऑल्सो कॉल्ड सुपर हार्ड मॉक्स, नियरली 10 to 15% हायर देन द एक्चुअल कैट मॉक्स. वेरी स्टैंडर्ड मॉक्स, ये पक्का देने चाहिए फॉर श्योर. और मॉक नंबर 30 दिवाली मॉक, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है कल रात को. अगर आप देना चाहते हो इसको दिवाली के दिन ही पक्का देना. मॉक नंबर 30 इज फ्री फॉर एवरीवन. जो लोग अभी ले रहे हो मॉक्स, ये सॉल्व करना तो तभी लेना और जाके एनालिसिस पक्का अटेंड करना. हर संडे के संडे, अभी जो 3 संडे 2 संडे और पड़े उनमें उनका लाइव एनालिसिस होना, पर रिकॉर्ड आपको पक्का मिलेगा. लास्टली ई बुक्स पक्का करना, इट्स कॉल्ड बी गुड. लास्ट स्लाइड फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सच्ची बताओ, द रियल जूस ऑफ द सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. द रियल जूस फ्रॉम द सेशन स्टार्ट्स राइट नाउ. यार पेपर सेटर ने कुछ कुछ हिंट दिया है, सिंस वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, MSc में भी, BSc में भी, साइंटिस्ट भी रह चुके हैं. उन्होंने कुछ कुछ हिंट दिए ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स. मैं बुरा रिसर्च कर गया हूँ 1.5-2 घंटे की, मैं और मेरी टीम, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं. उन्होंने वर्बल के अंदर कोई हिंट नहीं दिया कुछ इनोवेट करने के लिए, पर मैं खुद वर्बल टीचर हूँ, लेट मी हेल्प यू डू समथिंग डिफरेंट. वर्बल एबिलिटी, अभी क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, है ना भाई. ये 4 चीज़ें आती हैं, साथ में आउट ऑफ कंटेक्स्ट. आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल दिया, पैरा कंप्लीशन डाल दिया, ये ऐसी 4-5 चीज़ें अलग अलग आती हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन. अगर मैं पेपर सेटर हूँ, आई कैन ऑल्सो ब्रिंग इन समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग, CR, GMAT लेवल का CR है. माई रिकमेंडेशन टॉपर जनता, नॉर्मल जनता भी कर सकती है. वैसे मैं एडवाइस करता हूँ लास्ट 15 दिन पहले कुछ नई चीज़ मत करो, पर वर्बल ऐसी चीज़ है, अगर आप नई चीज़ करोगे तो आपका वर्बल एबिलिटी इंक्रीज होगा. पिकअप एनी GMAT की किताब, GMAT की ऑफिशियल गाइड, और उसको पकड़ के GMAT के पहले 60 सवाल सॉल्व कर लो. 60 सवाल करने के लिए दिन के 10 सवाल करोगे तो 6 दिन के अंदर पूरी किताब की आधा CR खत्म हो जाएगा. एंड पीपल और टॉपर्स स्पेंड अबाउट 5 डेज ऑफ टाइम, दिन का 20-20 सवाल करो, 100 सवाल के आसपास है, वो पूरा का पूरा CR शॉर्ट हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, वो कैबरी कलकत्ता में पूछी गई थी जब सर पेपर सेटर थे, इस बार वो कैबरी आनी चाहिए. यार पता नहीं आएगी नहीं आएगी. अगर मैं पेपर सेटर हूँ, मैं बिग फैन हूँ वो कैबरी का, पर मैं नहीं पूछूंगा अभी. GMAT की एक और टाइप है सेंटेंस करेक्शन, विच इज नथिंग बट ग्रामर का नेक्स्ट लेवल. इसके अंदर पैरलिज्म होता है, बड़े सारे रूल्स होते हैं भाई, लेवल अप है अभी. हाँ, लेवल अप चीज़ें बता रहा हूँ, सुनते जाइए. ये दोनों GMAT की चीज़ें हैं. अगर पेपर सेटर का मन करे कुछ इनोवेटिव इनोवेशन करना है, तो ये CR भी आ सकता है, SC आ सकता है.
एक और चीज जो पेपर सेटर ट्राई कर सकता है इस बार, कॉल बी कॉल्ड एज स्क्वाट आरसी। स्क्वाट आरसी क्या होता है भाई? छोटा आरसी, स्मॉल आरसी, कि आपने आरसी आया स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट पे क्लिक किया और अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। एक ये भी आप, ये भी प्रैक्टिस सीमेंट में आता है, जिस टाइप इन स्क्वाट आरसी पता चलना शुरू हो जाएगा। मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, वेन्यू, मैंने ग्रीन बटन की टेक्निक बताई थी, याद आ रहा है? जो मैंने ग्रीन बटन की टेक्निक बताई थी, जब आप पेपर ग्रीन बटन पे क्लिक करके पूरा पेपर देख रहे हो, देख लेना किस आरसी में कितने कितने क्वेश्चन हैं। इस बार कुछ और चीज़ें आ सकती हैं जो अगली स्लाइड के अंदर है, वेरिएबल और डिफरेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं आरसी आए चार आरसी, पांच पांच क्वेश्चन के चार आरसी आए, खत्म करो, एक आरसी ईजी होगा, मुश्किल होगा, वो कुछ चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट वन, एलआर, नाउ सम ट्रिकी स्टफ फॉर टॉपर जनता। ये बात लेके डिमोटिवेट मत होना, अगर आपके पास समय है तो अपने दिमाग की भचड़ मचानी है तो और चीजें भी पढ़िएगा। देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, पहली बात तो पजल बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं। एलआर के अंदर और ट्रिकी क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, रूट्स, नेटवर्क्स, वो सब चीजें स्टैंडर्ड है, बट आप रीजनिंग बेस्ड डीआईबी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टॉपर जनता, लीनियर प्रोग्रामिंग। What is linear programming? Linear programming is nothing but आपको equations के साथ, graphs के साथ खेलना पड़ता है। आपको एक graphs दी जाती है, equations दी जाती है, and then you have to find an answer, और graphs दिए जाते हैं, वहाँ से equation बनाओ। अगर paper setter का मन करता है कुछ innovation करना चाहता है तो linear programming का एक topic नया है, वो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। आगे quants, quants में अगर कोई दिमाग लगा के पेपर बनाया ना, उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है काउंटिंग्स। काउंटिंग मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ वो कुछ भी खेल सकता है। नंबर सिस्टम कुड बी कंबाइंड विद एलजेब्रा, दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम्स कुड बी कंबाइंड विद पीएनसी प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम कुड बी कंबाइंड विद एनी अदर टॉपिक, से टाइम टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन ऑल। बट मेरा फेवरेट और पेपर सेटर का फेवरेट अभी तक जो लग रहा है, दैट इज एलजेब्रा। एलजेब्रा दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ एलजेब्रा कैन गो लिटिल बिट हायर एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक, बेस्ड ऑन, डिस्क्लेमर, बेस्ड ऑन जब वो पेपर सेटर थे आई एम कैलकटा के अंदर 2011 का पेपर, और जब आई एम लखनऊ ने पेपर सेट किया था, दोनों के अंदर एलजेब्रा अर्थमेटिक वॉज इक्वल, बेस्ड ऑन दिस आई एम टेलिंग यू, ये हो सकता है। सो क्वांट्स कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक हो चुका है, आप ये कर सकते हो। दो तीन नई किताबें डैशबोर्ड पे आए, कैट किंग फैमिली वाले कौन है, जस्ट टाइप इन सीके, जो कैट किंग सीके फैमिली जो है, डैशबोर्ड पे नई किताबें भी आ चुकी हैं जो लास्ट मेल प्रिपरेशन के लिए, वो भी आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक आपको नीचे दूंगा। फाइनल थॉट्स, प्रोफेसर हैज स्पेंट लास्ट 2 मिनट्स फॉर द डे, सीके, अरे कैट किंग फैमिली, लास्टली, बिल्कुल लास्टली वाले, हाँ लास्टली वाली जो दो नई किताबें वो बहुत पक्का कर लीजिएगा। फाइनल थॉट्स फॉर द डे, अच्छा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, 1280 लोग देख रहे हैं और 698 लोगों ने लाइक किया हुआ, लाइक कर दो यार, इतना तो कर दे यार। हाँ, अगर आप चाहते हो मेरे को रोज़ आने के लिए, मिनिमम 2000 लाइक होने चाहिए वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, प्रोफेसर स्पेंट 13 ईयर टाइम कैलकटा, कहानी में ट्विस्ट, 2011 के कन्वीनर थे, 2018 के कन्वीनर ये नहीं थे, सुमांतु बसु साहब थे, बट मैंने आपको बताया 2000 जब कन्वीनर रहता है एक बार पेपर का, वो एक पेपर टीम के अंदर पक्का होता है। तो एजम्पशन 2011 में पेपर सेट किया था, 2018 में भी उनका हाथ होगा। आप क्या करेंगे? नंबर वन, 2011 और 2018 दोनों का पेपर सॉल्व करेंगे। नंबर टू, वर्बल एबिलिटी, चार चार क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन आए थे पिछली बार जैसे आते हैं, इस बार क्या हो सकता है 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है, 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है, वेरिएबल क्वेश्चन आ सकते हैं। इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैट, अगर आपको वेरिएबल मार्किंग वाले क्वेश्चन दिखते हैं आरसी के अंदर, तो जो ईजी आरसी होते हैं उनके क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं DILR इज रियली अमेजिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको मैंने बता दिया, एक तो आपको तीन चीज़ तो पक्का करनी, कौन सी करनी है? नंबर वन इज द राउट्स, नंबर वन आपको करना है रूट्स एंड नेटवर्क्स। नंबर टू आपको करना है गेम थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वो तो करना ही करना है। नंबर थ्री आपको करना है केस स्टडीज। ऑल्सो ट्राई मिक्स्ड एंड वेरी सेट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो करने के पीछे मोहनैक सर का हाथ है, FMS, प्रांतिक सर, आई एम लखनऊ, स्टूडेंट्स ऑफ आई एम लखनऊ, एंड ऑल द पॉसिबल रिसर्च विच इज डन ऑन आई एम लखनऊ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ये आप करना चाहते हो तो करो, दूसरा बात है लगे रहो ऐसे ही गधों की तरह, कोई अगर मार्गदर्शन कर रहा है कुछ तो उससे सीखो। ये चीज़ें सच होंगी, मुझे पता नहीं, भगवान की दया से 2 साल से तो ऐसा हो रहा है, 3 साल से ऐसा हो रहा है, मेरे वीडियोस देख लेना जब मैंने एक्सपेक्टेड पेपर गैस किया। आगे चलते हैं, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम अच्छे से कर लीजिए, पेपर सेट का फेवरेट हो रहा है। पिछले 2 साल में एक हैक हो रहा है, अगर किसी स्लॉट के अंदर वेन डायग्राम आ रहे हैं तो उस सेट के अंदर गेम एंड टूर्नामेंट नहीं आ रहा। तो अगर आपको सुबह के स्लॉट 1 नहीं है, क्या क्या स्लॉट अपना टाइप करो, स्लॉट 1 है, 2 है, 3, फटाफट टाइप करो, जरा जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी। अगर तुम्हारा स्लॉट 1 है, सुबह वेन डायग्राम आ गया, तो शाम को आपको वेन डायग्राम में भी नहीं आएगा, आपको गेम देन टूर्नामेंट्स आएगा। इससे कुछ फर्क पड़ता है? मे भी आप दिमाग में बोल सकते हो, और जब गेम देन टूर्नामेंट दिखेगा तो डोपामाइन रिलीज आता है, 1-1, 1-1, 2-2, 2, ऐसा हुआ है लास्ट 2 साल के अंदर। इस बार चेंज हो सकता है, हम तो एक्सपेक्टेड पेपर में गैसेस मार रहे हैं। आगे चलते हैं, गैंट चार्ट के सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, रेडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट, विभिन्न तरह के चार्ट थोड़े देख लीजिए।
आपके मॉक्स के अंदर, डैशबोर्ड्स के अंदर, अलग अलग टाइप से चार्ट, जो सिंपल लाइन ग्राफ बार ग्राफ नहीं होता, अगर आप देखना चाहते देखिए, बिकॉज प्रोफेसर के खून के अंदर स्टैट्स है, खून के अंदर डीआई है, खून के अंदर क्वांट्स है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स। सर डरा दिया आपने तो भाई, लास्ट स्लाइड फॉर द डे डरा दिया भाई आपने। यार देखो, ऑल सेड एंड डन, पेपर जैसा भी हो, जिंदगी में एक चीज याद रखने का, इफ इट्स इजी फॉर ऑल, इफ इट्स डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। तो उस दिन अगर तू बैठ के डर रहा है ना, तो ये सोचना जो तेरे साथ बैठे ना वो भी सेम नाव में बैठा हुआ है। अगर वो तेरे से ज्यादा प्रिपेयर्ड है तो अच्छा कर पाएगा, अगर वो तेरे से कम प्रिपेयर्ड है वो तेरे से आगे नहीं निकल सकता, पर निकल भी सकता है अगर तू नर्वस हो गया मेरी जान, तो तेरे को उस दिन पे नर्वस नहीं होना है, कम व्हाट मे। सो व्हाटएवर इज देयर पोटेंशियल, इफ यू आर एबल टू जस्ट रिप्रेजेंट इन देयर विद ऑल द चीट शीट्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज व्हिच आई बीन डिस्कसिंग, 6 months, 10 days, यू नो ऑल दीज लाइव सेशन व्हिच यू आर डूइंग, यू हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। बहुत बढ़िया, पर एक मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक्सपेक्टेड पेपर में 2 RC इन एक्चुअल कैट, एक्चुअल कैट नॉट रियल कैट मॉक्स इज गोन बी ऑन द ईजियर साइड, 2 data इंटरप्रिटेशन आर गोन बी इन ईजियर साइड, एंड ऑल्सो 8 से 9 क्वेश्चन ऑन द क्वांट्स आर ईजियर साइड। मैं भी यहीं बैठा हूँ, तुम भी यहीं बैठे हो, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन ढूंढ लिए, यू विल बी टचिंग 94-95% इन कैट फॉर श्योर, कम व्हाट मे। आर यू गाइस विद मी? इसलिए पेपर जैसा भी हो, सानू टेंशन नहीं लेनी है, चिंता चिता समान, टेंशन अपनी छोड़ो, बातें सुनो, अर्थमेटिक पे ध्यान दो, एल्जेब्रा पे ध्यान दो, और पढ़ाई करनी शुरू करो। थैंक यू सो मच जॉइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस आर डूइंग रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अगर मेरी थोड़ी एनर्जी लो थी तो इट वाज फॉर अ रीजन, सॉरी फॉर दैट, बट बड़ी मेहनत की मैंने आज, तो वीडियो को लाइक पक्का करेगा, एंड पीपल आर गिविंग द कैट किंग मॉक्स, डू गिव कैट किंग मॉक फॉर श्योर, एंड थैंक मी लेटर ऑन। मॉक नंबर 15, मॉक नंबर 19 और मॉक नंबर 25 से लेकर मॉक नंबर 30 तक काफी फैंटेबल्स है, सिर्फ मॉक्स मिल दीजिएगा, उसके साथ में आपको ई बुक्स मिल रही है, वो ई बुक्स के अंदर लास्ट लीप ऑफ ई बुक्स पक्का दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एंड गर्ल्स, सेंडिंग सो मच love from Delhi, thank you so much boys and girls, if you guys like my hard work, do it in the like button, or niche comment kar dena, hey Aditya, thank you so much, God bless you guys, keep killing, bye bye, thank you so much, have a good night, bye bye, thank you so much, jinke kuch comments hai, mujhe comment reply kariye, aur main niche comments aapke reply karta hu, thank you so much, bye bye।